हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चने को हम कैसे फ्राई करें घर पे। तो बहुत ही इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम कच्चे चने ले लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने चना लिया है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर पर है। दो तरीके के चने आते, एकदम से एक छोटी और ब्राउन कलर की चने आती है और एक थोड़ा सा गोल्डन और बड़ा आता है। तो थोड़ा सा आपको बड़े वाले चने लेना है, तभी ये अच्छे से मतलब चने फूटेंगे और ज़्यादा ये नरम बनेंगे। तो यहाँ पे हम एक मोटी तली वाली कढ़ाई ले लिए हैं। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई हो तो आप उसे ले लें। और हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नॉर्मल जो नमक घर में हम यूज करते हैं वही नमक है, लेकिन इसका जो कलर है वो डाउन है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल एक दो बार कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा इसका कलर चेंज है। आप यहाँ पे फ्रेश नमक ऐड कर सकते हैं। उस नमक को यूज करने के बाद आप कहीं उसे फेंके नहीं, आप स्टोर करके रख दें, जब भी आपको ज़रूरी पड़े तो नमक यूज कर ले। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पहले देख ले कि बहुत अच्छी तरह से हीट होने चाहिए, तभी आप इसमें चने रखें। अगर आप कम हीट में रखेंगे तो चने अच्छे से नहीं फूटेंगे, और पूरी अच्छी तरह से हीट में रखेंगे तो बहुत ही ईजी से चने फूटना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही ईजी से सारे चने फूट रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हम इसे अब निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास रेत है यानी बालू, तो आप उसमें भी चने को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर है ना एक ऑप्शन नमक का, जब चाहे तब आप चने फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ये आसान है घर पे चने को फ्राई करना। कोशिश हम करते हैं कि आपके लिए बहुत ही इजी से इजी तरीका खाना बनाने का, कोई भी चीज़ कुकिंग का हम ले आए आपके लिए, आप उसका फ़ायदा लें। तो यहाँ पे हम दूसरा बैच भी तैयार कर लिए हैं और इसी तरीके से हम सारे चने को रोस्ट कर लेंगे नमक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चने हैं वो पूरी अच्छी तरह से फूटी हुई है, सारे के चने एकदम से सही तरीके से रोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए और चने को फ्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा बना, कितना ये इजी है, या फिर कोई कमी रह गई हो उसे भी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।